गुरुदेव, यूट्यूब के सभी साथियों का स्वागत। गुरुदेव, व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस पर गुरु जी प्रकाश डालें, इसको समझाएं। गुरु जी स्वागत हो। रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न किया इस बच्चे ने कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या क्या है। इसी पर कुछ व्यवहारिक चर्चा किया जाएगा। हालांकि काफ़ी समय पहले किसी ने कमेंट किया था कि गुरुदेव इस पर वीडियो बना, लेकिन ये जो अपना वीडियो का शीर्षक है, जिस तरह का आप देख रहे हैं, तो उससे इसका बड़ा रिलेवेंस है, कनेक्टिविटी है, आपस में कनेक्शन है कि आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं उनका संभोगिक अनुभव और जिससे निकला ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक बार की बात है कि जब आदिगुरु शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ कर रहे थे, मंडन मिश्र को हराने के बाद, तो उनकी पत्नी ने कहा कि जब काम का प्रभाव होता है शरीर के अंदर, मन के अंदर, तो शरीर के किस पार्ट पर, किस अंग पर सबसे पहले एक सेंसेशन होता है, प्रक्रिया, एक हलचल होती है। शंकराचार्य अबाक रह गए, बोले ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो बोले जब जानते नहीं हो तो कैसा शास्त्रार्थ होगा। और नरमिस्त्र की पत्नी ने कहा, जाओ पहले जान के आओ, उसके बाद में मेरे पति को हराने की सोचना, क्योंकि अभी तुमने पति को हराया, अभी आदांग जीवित है, अपराजित है। शंकराचार्य जी चले गए अपने शिष्यों को लेकर के, और एक जंगल में पहुंचे तो वहां पता चला कि राजा सुधन्वा की मृत्यु हो गई है और वो उसके शरीर का आश्रय लेंगे, अर्थात परकाया प्रवेश का यहाँ उन्होंने प्रयोग किया। और अपने शिष्यों से कहा, मेरे शरीर की रक्षा करना, एक गुफा में बैठा दिया, अपने शरीर को छोड़ दिया और राजा सुधन्वा के शरीर में प्रविष्ट कर गए और राजा जग गया। राजा का शरीर में हलचल होने लगी। जो वहाँ पर उसको जलाने लाए थे राजा के शरीर के लिए, उन्होंने कहा कि राजा पुनर्जीवित हो गए। तो इसलिए जो है सभी राजा को साथ में लेकर के राजमहल में गए। वहाँ जा कर के मैं इन शॉर्टली कहानी सुना रहा हूँ, संक्षेप में बोल रहा हूँ। राजा के अंदर जो चेतना थी, आत्मा थी, जीवा जीव था, वो शंकराचार्य का था। और राजमहल में जाने के पश्चात वहाँ रानियों के साथ में उन्होंने खाया पिया, मौज मस्ती लिया और सेक्स का गहरा अनुभव लिया। अनुभव कई महीनों होने के पश्चात में, हालांकि कहानी ये भी है कि लोगों को पता चल गया कि एक उच्च कोटि की चेतना है, ये राजा की चेतना नहीं है, रानी समझ चुकी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी सन्यासी का कोई शव हो कहीं पर, उसे नष्ट करा दिया जाए ताकि उसकी चेतना पुनः वापस ना जाए। लेकिन उनके शिष्य पहले से ही सावधान थे, अलर्ट थे, उन्होंने उसकी रक्षा किया। कुछ समय के पश्चात राजा सुधन्वा का शरीर छोड़ करके पुनः शंकराचार्य अपने शरीर में वापस लौटे। और लौटने के पश्चात मंडन मिश्र की पत्नी को उनके काम शास्त्र का जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। कहने का अर्थ है, जब उन्होंने काम शास्त्र को व्यवहारिक रूप से जान लिया, सेक्स का गहरा अनुभव कर लिया, खूब जम के किया, तब उन्होंने यह रचना रची, यह अवधारणा आई, यह सूत्र आया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये प्रैक्टिकल होकर के ये बात निकल के आई। जब तक उनको कामशास्त्र का अनुभव नहीं हुआ, तब तक वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की परिभाषा वास्तव में है क्या। चलते हैं अब इस ओर, एक दूसरा टॉपिक यहाँ से ही लेते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक बार हम और हमारे कुछ शिष्य लोग एक पुराने महात्मा जी के सन्यासी के पास पहुँचे, और पहुँचने के पश्चात उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको खुद ही सुनवा देता हूँ अपने शिष्य के मुखारविंद से।
तो मज़े की बात यह है कि हम सब लोग वहाँ गए थे जहाँ पहले तपस्या किए थे काफ़ी साधु महात्माओं में तथाकथित जो भी थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि हमारे एक शिष्य ने पूछ लिया उन महात्मा जी से, उनकी 70-75 साल की उम्र थी, और उसके बाद में खैर कई लोग थे हमारे साथ, तो महात्मा लोग जो हैं से इसने सवाल कर दिया, एक प्रश्न कर दिया। हालांकि वो महात्मा जी वेदांत से PhD और 75 साल की उम्र, अब पूरा ज़िंदगी उन्होंने कभी अपने घर का भी पता नहीं बताया कि मध्य प्रदेश में वो कहाँ के रहने वाले हैं। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी उन्होंने और लग गए भगवान की भक्ति करने में, साधना करने में। तो उनसे तत्व ज्ञान की बात कही, लेकिन तत्व ज्ञान के बारे में देखिए मैं सुनवाता हूँ, ये लड़का से सुबूत बताएगा आपको कि आखिर क्या बोले वो। मैंने उनसे कहा कि तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए महाराज जी, तत्व ज्ञान क्या होता है। तो उन्होंने कहा बेटा तत्व ज्ञान जैसा कुछ नहीं है, राम राम जपो। अगर तत्व ज्ञान होता तो डॉक्टर लोग चिमटी से निकाल कर रख देते, ऐसा हो गया। तो हुआ ना एक मज़े की बात, कॉमेडी हो गया ये तो। उन्होंने कहा बड़े हिसाब से नाटकीय अंदाज में कहा कि अगर तत्व नाम की कोई चीज़ होती इस संसार में तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके चिमटी से निकाल के कटोरी में रख देता और दे देता तुम्हारे हाथ में। तो ये लोग निराश व्यक्तियों की ये भाषा है, निराश लोग हैं, ये थक चुके हैं, हार चुके हैं। मैं राम नाम के विरोध नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने राम नाम की महिमा को कहा, लेकिन उनसे जो प्रश्न किया गया उस पर बोलना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए था कि मुझे तत्व ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैं तो केवल राम नाम जानता हूँ। क्योंकि किसी फिलोसफर को, किसी ब्रह्मज्ञानी को, किसी भक्त को सार्वभौमिक बात बोलना चाहिए जिसको सभी स्वीकार कर लें। अब कृष्ण के भक्त कहेंगे कि मैं तो कृष्ण नाम मेरे लिए वो है, राम के राम के, शिव के शिव को, अल्लाह के अल्लाह को, किसी के किसी को। तो ऐसी बात बोलिए ना कि जो सबको, अधिकांशता समझदार लोगों को पसंद आए, एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जब उनका खुद का अनुभव नहीं होगा, जब खुद ही उस चीज़ से नहीं गुजरे, उस गहरे अनुभव से, तो कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए वो अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के रहेंगे। तो चर्चा चल रही थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब आते इसी टॉप पे, तत्व की बात पे, कि आखिर ब्रह्म है क्या। ब्रह्म, वैसे ब्रह्म की जो है कई परिभाषाएं दी है अलग अलग स्तर पर, लेकिन जो मूल ब्रह्म तत्व है वो स्टैटिक ऊर्जा के लिए कहा गया है, जहाँ से अपर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। अपर ब्रह्म पर ब्रह्म के नीचे है और पर ब्रह्म से ही अपर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। और ये जो अपर ब्रह्म है उसको ही उन्होंने क्या कहा है, मिथ्या कहा है। ये जगत ही अपर ब्रह्म का ही कार्य रूप है, ये संसार अपर ब्रह्म का ही कार्य रूप है, और अपर ब्रह्म का जो उत्पत्ति हुई है वो पर ब्रह्म से हुई है। तो इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उन्होंने अनुभव किया, जब सेक्स किया तो सेक्स में जो उनको आनंद मिला, उस आनंद की झलक को उन्होंने तत्काल महसूस किया, अनुभव किया कि ये ब्रह्म का स्वभाव है आनंद स्वरूप, जीवात्मा का स्वभाव आनंद स्वरूप। तो आनंद की झलक जहाँ मिलती है वही सत्य है, ब्रह्म सत्य। तो आनंद की उत्पत्ति, क्योंकि आनंदो वै सा उपनिषद कह रहा है कि आनंदो वै सा, कि वो आनंद स्वरूप ही है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो आनंद भी परमात्मा का ही एक रूप है, ब्रह्म का एक स्वभाव है, वही सत्य है। फिर मिथ्या क्या है, मिथ्या का अर्थ क्या है आपको समझना होगा। कुछ लोग कहते हैं मिथ्या कहते हैं नश्वर के लिए, जो नष्ट हो जाए। एक बात मैं आपकी जानकारी को बता दूं, मिथ्या का अर्थ
नश्वर नहीं है, नष्ट होने वाला नहीं है। ये तुम्हारे पोंगा पंडितों ने गलत परिभाषा किया है। मिथ्या का अर्थ होता है यहाँ पर माया, क्योंकि शंकराचार्य माया कह रहे हैं, और माया उसे कहते हैं जो पल पल में नटनी की तरह अपना रूप बदलती है। परिवर्तनशील स्थिति को ही उन्होंने माया कहा है। अर्थात आज जो प्रत्येक पल जिसमें बदलाव की प्रक्रिया जारी है, एक सातत्य रूप से कार्य कर रही है, उसको उन्होंने माया कहा है। जो परिवर्तनशील है, जिसमें लगातार रूपांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है, बदलाव का कार्यक्रम चलता रहता है, ऐसी अवस्था के लिए, ऐसी स्थिति के लिए उन्होंने कहा है मिथ्या। मिथ्या माने नष्ट होने वाला नहीं। और एक बात और मैं बता दूं कि ये संसार जगत मिथ्या, ये अगर जगत परिवर्तनशील है तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। तो क्या संसार को छोड़ देना चाहिए? अरे उन्होंने स्थिति के बारे में बात किया है, जगत को छोड़ने के बारे में बात नहीं किया है। शंकराचार्य ने ये नहीं कहा कि जगत को छोड़ के, अपने कार्यों को छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग जाओ, पलायन कर जाओ। वो कह रहे हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, बदलावपूर्ण है, निरंतर बदल रहा है। ये जड़ के अंदर एक प्रक्रिया चल रही है, इससे आपका जो एक अटैचमेंट है, एक अनुराग है, एक आसक्ति का जो भाव है, उससे आप ब्रह्म सत्यम की ओर लौटिए। अर्थात जो ब्रह्मानंद है, उसका जो आनंद आता है, उधर लग जाओ जा करके। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं, लेकिन संसारिक कार्यों का, कर्मयोग का सहारा जो लोग पहले से लिए हुए हैं, उनको संसार को छोड़ने की, त्यागने की जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि संसार को कोई त्याग ही नहीं सकता है, जीते जी कैसे त्यागोगे? तो मैं कहता हूँ कि संसार को कोई त्याग भी नहीं सकता है। अरे तुम घर को, जो घर आपका ईंट पत्थर का बना है, उसको छोड़ दिया, त्याग दिया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद तुम चले गए बड़े से आश्रम में, वहाँ भी ईंट पत्थर लगा है। आपने अपने घर में एक स्कूटी छोड़ करके गए, वहाँ बड़ी बड़ी आश्रमों में बस है, ट्रक है, फॉर्चूनर है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तुम्हारा अटैचमेंट वहाँ हो गया, तुम वहाँ पर जा कर के अनुरक्त हो गए, संपर्क्त हो गई तुम्हारी चेतना, तो त्यागा क्या तुमने, छोड़ा क्या? तो कहने का अर्थ यह है कि जो सोचता है कि मैंने ये त्याग दिया, ये छोड़ दिया, वो बहुत भारी भूल कर रहा है, एक ब्लंडरिंग कर रहा है। इसमें जो त्याग की जो अवधारणा है सन्यासी जीवन में, वो त्याग होता है आप विचारों से परे की अवस्था में पहुंच जाए। और ये जो अनुभव हुआ शंकराचार्य को, ये जब वो थॉटलेसनेस अवस्था में पहुंचे, निर्विचार स्थिति में पहुंचे, उसके बाद में जब इनको प्रज्ञा बल उत्पन्न हुआ, तब इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अर्थात जो नीचे के चक्र हैं, हेलो, योग दर्शन के आधार पर, योगिक अनुभव के आधार पर जो नीचे के चक्र हैं, उनमें लगातार ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, गति कर रही है, बदलाव कर रही है। जब वो ऊर्जा ऊपर चलती है और अपने मूल स्थान को प्राप्त हो जाती है, जिसे शिव और शक्ति का मिलन भी कहते हैं, और जब वो वहाँ पे मिल जाती है, जुड़ जाती है, विसर्जित हो जाती है, स्वराट का विराट में विलय हो जाता है, तब जाकर के अनुभव होता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अर्थात एक अपरिवर्तनशील अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फिर ना वहाँ मन बचता है, ना बुद्धि बचती, ना अहंकार बचता है। एक चीज ध्यान रखना, यह अहंकार भी जगत का हिस्सा है, ये तुम्हारा मन ये भी जगत का हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है, अपर ब्रह्म का हिस्सा है, परिवर्तनशील मिथ्या का हिस्सा है। तुम कैसे कुछ छोड़ सकते हो?
अभी तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना बाकी है। मनोविकार, अभी तो हम लोग मनोविकार को नहीं छोड़ पाए, उसके पश्चात में मन को छोड़ना होगा आपको, अहंकार बुद्धि इन सब को परे जाना होगा, और उसके जाने के बाद में जब तुम शाश्वत और सुस्थिर स्टैटिक ऊर्जा से में जाकर के अपनी नॉन स्टैटिक काइनेटिक एनर्जी के लिए जब आप विसर्जित कर देंगे, उसमें मिला देंगे, तब आप अनुभव कर पाएंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो नीचे के चक्रों से इसीलिए योगी लोग अपनी प्राण ऊर्जा को, कुंडलनी ऊर्जा को, काम ऊर्जा को ऊपर ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर आनंद का स्रोत है। नीचे के चक्रों के माध्यम से जब तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय होती है, जैसे कि सेक्स, तो वहाँ पे तुम्हें केवल आनंद की झलक मिलती है, आनंद में तुम तृप्त नहीं हो पाते हो, आनंद में संतुष्ट नहीं हो पाते हो, इसीलिए तुम्हारा मन बार बार कहता है फिर सेक्स करो, फिर संभोग करो, फिर ढूंढो किसी के लिए, पार्टनर के लिए। और ये तब तक ऐसी तुम्हारी अतृप्ति बनी रहेगी जब तक कि तुम गहरे अनुभव को उपलब्ध नहीं हो जाते हो। और ये गहरा अनुभव दो तरीके से ही आ सकता है, या तो तंत्र के माध्यम से तुम गहरे संभोग के प्रयोग कर लो, नीचे के तलों पर गहरे और गहरे शरीर से शरीर की ओर चले जाओ, जब तक तुम्हारा ऐसा प्रयोग नहीं होगा तब तक तुम नीचे के चक्रों पे लगातार तुम और तुम्हारी ऊर्जा परिभ्रमण करती रहेगी, भटकती रहेगी। एक दूसरा मार्ग है, वह योग का मार्ग है, उस मार्ग के द्वारा तुम्हारा गुरु तुम्हें सिखाएगा कि कैसे बिना पार्टनर के भी, कैसे बिना पार्टनर के भी ऊर्जा के लिए मध्यम मार्ग के माध्यम से, जो मध्यम मार्ग है जिसको बुद्ध का मार्ग भी कहा है। बुद्ध का मार्ग लोग कहते हैं, वो मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग का मतलब है कि इडा और पिंगला में हमारा प्राण चल रहा है, ऊर्जा चल रही है, लेकिन जब इन दोनों में चलती है तो हम लोग बहिर्मुख हो जाती है चेतना हमारी आपकी, हमारा होश, हमारा विचार, माइंड, सब कुछ। लेकिन जब यही सुषुम्ना में चल, इन दोनों के बीच में एक मार्ग है, वो है सुषुम्ना का, जो कि महात्मा बुद्ध ने जिसके बारे में मध्यम मार्ग बोला है। ये बड़े गूढ़ विषय की बात है, योगी लोग ही ध्यान के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये दो ही मार्ग हैं, या तो योग का है या तंत्र का है। तुम्हारे पास में जो सुविधा हो, जो साधन हो, उसको अपनाइए और ब्रह्म सत्य का अनुभव करिए। केवल पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शंकराचार्य को भी उतरना पड़ा था मैदान में जा करके, तब जाके उन्होंने ये बात कही। और आज के जो भगोड़े और चूतड़ों पे जो लंगोटा लगा के घूम रहे हैं, मोटे मोटे पेट वाले, मोटे मोटे हिप्स वाले, जो अपने आप को साधु कहते हैं कि कौन से संप्रदाय के हैं वो, अरे साधुओं का भी संप्रदाय हो गया। साधु नाम स्वभाव का होता है, साधु नाम किसी संस्था का नहीं है, संन्यास नाम भी किसी संस्था का नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो एक स्वभाव है, एक ये तो एक मन की उच्चतर एक दशा है, मनोदशा है, डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड है। जब तक आप साधना के द्वारा ये प्राप्त नहीं हो जाते हो, तब तक तुम्हें साधु कहलवाने का कोई हक नहीं है। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज में जागरूकता पैदा हो। ओम।